नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक में अंकित लिमिट तथा टॉलरेंस पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। साधारण क्रियाएं जैसे फाइलिंग, एक्साइंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग आदि क्रियाएं करने के उपरांत जो है फिनिशिंग करने के बाद जो आपको जो है जिस आकृति का या जिस डायमेंशन का लिया होगा उसको बनाने का प्रयास किया होगा, परंतु आप लोगों ने ये पाया होगा कि जो भी आप जॉब बनाते हैं जो दिए गए साइज से हमेशा कम या ज्यादा ही रहता है, वो एग्जैक्ट साइज का कभी आप बना नहीं पाते। इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि जो आपके द्वारा कारीगरी करी जा रही है हो सकता है उसमें कुछ कमियां है। दूसरी चीज होती है कि जिन टूल्स या इक्विपमेंट का प्रयोग करके हम जॉब बना रहे होते हैं उनमें कुछ कमियां होती है, और जो रॉ मटेरियल आपको दिया गया है जिस पर आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां रहती हैं, और जिन टूल्स जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज करते हैं उन्हें मापने के लिए उनमें कुछ कमियां रहती हैं, जिस कारण क्या होता है कभी भी एक जॉब को दिए गए साइज का बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो उसका निवारण हम क्या करते हैं, हम उस पर कुछ छूट लेके चलते हैं, ताकि क्या होता है कि हम उस सीमा तक दिए गए छूट की सीमाओं के अंदर अगर हम जॉब बनाने का प्रयास करते हैं। अभी क्या है, अभी हम एक जॉब बनाते हैं, फिर दूसरा कोई जॉब होता है उस पर कार्य करते हैं, परंतु जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं इंडस्ट्री में क्या होता है मास प्रोडक्शन की जरूरत होती है, मतलब कि एक ही उत्पाद के अनेकों मात्रा में आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसे अधिक मात्रा में अधिक संख्या में एक ही उत्पाद को बनाना पड़ता है, उसे हम मास प्रोडक्शन या बहुउत्पादन कहते हैं। बहुउत्पादन की आवश्यकता अधिकतर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होती है, क्योंकि एक ही पुर्जे का वहाँ बहुत अधिक उपयोग होता है, उसे ज्यादातर प्रयोग करने के कारण उसमें काफी कमियां आती हैं, त्रुटियां आती हैं, तो उन्हें बदलने की भी जरूरत पड़ती है। आपको क्या करना होता है कि आपको एक ही पार्ट के अधिक संख्या में उत्पादन करने के लिए कहा जाए, तो आपको की दो बातों का मुख्यतः ध्यान रखना होता है मास प्रोडक्शन करने के बाद। पहला है कि डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, जो सतह परिष्करण आप जिस श्रेणी का एक जॉब को देंगे वही श्रेणी का सतह परिष्करण आप जो है अधिक मात्रा में जो भी जॉब बनाएंगे उन सब में भी उसी मात्रा का सरफेस फिनिश आपको प्रदान करना होगा। दूसरा काम क्या करते हैं, विमाओं की यथार्थता, मतलब क्या है जो भी विमाएं आपने एक जॉब में दी है कोशिश करेंगे कि वही विमाएं जो है उसके अनेक मात्राओं में जो लार्ज क्वांटिटी में बन रही है उनमें भी वही प्रदान करने का हमारा लक्ष्य रहता है अगर हम बहुउत्पादन क्रिया कर रहे हैं तो। अब तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है बहुउत्पादन में, वो होती है विनियमशीलता। विनियमशीलता मतलब कि यदि आप जॉब को इस तरीके से बनाए कि वो कुछ सीमाओं साय कुछ दिए गए मापों की सीमाओं के भीतर रहे, उसके होता क्या है कि अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते वक्त एक जॉब को बहुत सारे टेक्निकल वर्कर्स या स्किल वर्कर्स बनाते हैं, तो हर व्यक्ति क्या होता है उसका अगर एक साइज में लेकर जॉब बनाएगा तो हमेशा वो जॉब जो है हमारी इंडस्ट्री में एक्सेप्ट किया जाएगा, ओके कर दिया जाएगा और उसे स्वीकार करा जाएगा और हमारा जॉब प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मास प्रोडक्शन करने में हमें कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत होती है, जैसे जिग एंड फिक्सर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। लार्ज क्वांटिटी में क्या है उनको जांचने के लिए गेजेस का प्रयोग किया जाएगा, तो ये कुछ अनिवार्य चीजें होती हैं मास प्रोडक्शन करने के लिए। अभी हमने बात करी कि विनियमशीलता का गुण बहुत जरूरी होता है मास प्रोडक्शन करने में, तो मास प्रोडक्शन के लिए
आपको विनियमशीलता समझना बहुत आवश्यक है। विनियमशीलता है क्या कि अगर हमने आकार की निर्धारित सीमा के भीतर कुछ सीमाएं हमने बना ली, उस आकार के सीमाओं के भीतर आप जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहेंगे तो जॉब जो है उन सीमाओं के भीतर ही बनाना चाहिए। तो पार्ट्स का वह गुण जिनके कारण वो किसी निर्धारित सीमा में तैयार किए जाए और आसानी से उन्हें क्या किया जाए, मशीनरी में असेंबल कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो वो गुण क्या है, विनियमशीलता कहलाता है। इस गुण के कारण क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूसली लगातार चला करता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि जो भी पार्ट बहुत ज्यादा प्रयोग में आ रहा है उसको पहले से निर्धारण करके इंडस्ट्री में बनाकर हम जो है मार्केट में स्पेयर पार्ट्स के रूप में उपलब्ध रखते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जैसे हमें नीड हो हम तुरंत जाकर उसे बदल सके और अपने सुचारू रूप से अपने उत्पादन क्रियाओं को करते रहे। इस विनियमशीलता का गुण जो है हमें क्या करता है, बहुत सारी चीजें प्रदान कर देता है कि हमें समय का बहुत बचत होती है, इस कारण से हमें उत्पादन में कोई रुकावट नहीं आती है। मशीन का जो आइडियल टाइम होता है या फिर मशीन जब अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो वो खड़ी रहेगी, बंद रहेगी, तो वो आइडियल टाइम कहलाता है। उसका आइडियल टाइम जो है एक तरह से बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। विनियमशीलता जो है हमारा टायर इंडस्ट्री, रिम इंडस्ट्री, बॉटल कैप इंडस्ट्री, इनमें इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि लिमिट क्या होता है। लिमिट मतलब होता है सीमा। तो हमारा इंडस्ट्री में जॉब का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उस पे हम कुछ छूट निर्धारित कर देते हैं। उन छूट देने की वजह से हम जॉब को जो है आसानी से बनाने में सक्षम होते हैं। तो जॉब जो भी होता है उसकी मूल साइज मतलब जिस साइज पर हम ये छूट प्रदान कर रहे हैं, तो जॉब के मूल साइज पर जो हम छूट प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत जॉब को तैयार किया जाता है, उस छूट को जो है हम लिमिट कहते हैं। तो लिमिट क्या है, आपको पता चल गया, मूल साइज पर दी गई छूट जिसके अंतराल में हम जॉब को तैयार करके बनाते हैं। जो लिमिट होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होता है हाई लिमिट और एक होता है दूसरा लो लिमिट। तो हाई लिमिट साइज जॉब का वह साइज है जो क्या है, अधिकतम जो छूट आप मूल साइज पर देते हैं, मूल जॉब के मूल साइज या बेसिक साइज पर जो आप अधिकतम छूट दे रहे हैं वो मुख्यतः ज्यादातर प्लस में रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाई लिमिट साइज। दूसरी होती है लो लिमिट साइज, तो जॉब के मूल साइज पर जो न्यूनतम छूट या भिन्नता जो दी जाती है उसको लो लिमिट साइज कहा जाता है। अधिकतर ये नेगेटिव में रहती है, माइनस में रहती है। उदाहरण पे आप देख रहे हैं कि एक जॉब है जिसका मूल साइज 50 दिया गया है और उस पर छूट दी गई है प्लस माइनस की 0.02। तो ऊपरी छूट, उसकी ऊपरी सीमा कैसे निकलेगी, जब हम जोड़ देंगे 0.02 तो 50.02 हो जाएगा, और निचली सीमा कैसे निकलेगी, माइनस करने पर 49.98। तो ये निकल आई हमारी हाई लिमिट साइज या ऊपरी सीमा और दूसरी लो लिमिट साइज या निचली सीमा। अब तीसरा है हमारा कि ये टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस को समझने के लिए आप इस चीज को समझिए कि जो जॉब की अभी हमने हाई लिमिट साइज की बात करी और जॉब की लो लिमिट साइज की बात करी, यदि जॉब के हाई लिमिट साइज से आप माइनस कर दें जॉब की लो लिमिट साइज तो वो आपको मिल जाएगा टॉलरेंस। तो बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते हैं कि यदि जॉब की हाई लिमिट साइज में से लो लिमिट साइज जॉब के घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो दे देगा टॉलरेंस। उदाहरण पे देखिए, कोई शाफ्ट है जिसका व्यास दे रखा है 40, ये बेसिक साइज है, प्लस माइनस 0.02 mm की इस पे छूट दी गई है, इसकी ऊपरी सीमा प्लस करने पर आ गई 0.02
और निचली सीमा माइनस करने पर आ गई 39.98। अब आपको अगर टॉलरेंस पूछा जाए तो क्या करेंगे, हाई उसकी ऊपरी सीमा या हाई लिमिट साइज में से निचली सीमा लो लिमिट साइज को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.04। तो इस तरीके से किसी भी तरीके के सवाल आए तो आप आसानी से टॉलरेंस निकाल सकेंगे, उसके हाई लिमिट साइज में से लो लिमिट साइज घटाएंगे तो वो आपको टॉलरेंस दे देगा। टॉलरेंस मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला टॉलरेंस होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल वन। तो जब हम टॉलरेंस अपने जॉब के मूल साइज पर केवल एक दिशा में दें, सिंगल डायरेक्शन एक ही तरफ देंगे, उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाएंगे। तो इसमें भी केस आ जाते हैं, इसमें क्या होता है कि जब जीरो लाइन से नीचे दिया गया हो तो जीरो लाइन क्या है, जॉब के मूल अगर मूल साइज को आपको ग्राफिक के रूप में दर्शाना होगा, ग्राफिकल रूप में आपको अगर दर्शाना है तो हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसको जीरो लाइन से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको बेसिक साइज जॉब के जीरो, अगर जीरो लाइन है तो वो किसको प्रदर्शित कर रही है, जॉब के बेसिक साइज को। आप देखिए जब जीरो लाइन से नीचे का ग्राफ बनता है तो वो सदैव नेगेटिव को दर्शाता है, माइनस वाले साइड में जाएगा। उदाहरण पे दिया है प्लस 50, प्लस का 0.000 और माइनस का 0.060। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कोई, ये आपके डाउट मन में हो सकता है कि इसमें प्लस में और माइनस दोनों में दिया है, तो हम अगर इसको साइडिंग से ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि वो 0.000 अगर ऐड करेंगे बेसिक साइज में तो वो बेसिक साइज को हो जाएगा, इसलिए वो कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है हमारे सवाल पे, तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही दिया है और वो नेगेटिव साइड में दिया है। दूसरा एग्जांपल में क्या है, हमने दोनों छूट जो छूट दी है वो नकारात्मक या नेगेटिव में दे रखी है, तो ये भी उदाहरण हमारा क्या रहा, यूनिलैटरल टॉलरेंस का उदाहरण रहेगा, माइनस 0.070 और माइनस 0.110, ये यूनिलैटरल टॉलरेंस को दर्शा रहा है। अभी हमने बात करी थी कि शून्य रेखा से नीचे दे रहा था तो नेगेटिव था या माइनस में था, ऋणात्मक में था। अब जब शून्य रेखा से ऊपर दी जाएगी छूट तो हमेशा वो पॉजिटिव में दर्शाया जाएगा, सकारात्मक में दर्शाया जाएगा। उदाहरण पे देख रहे हैं कि प्लस का 0.040 दिया हुआ है और माइनस का 0.000 दिया है। यहाँ भी वही चीज समझना है कि जो भी 0.000 दिया है, चाहे वो प्लस में दे चाहे माइनस में दे, उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे सवाल पे, इसलिए उसको एक ही दिशा में कंसिडर किया जाता है। दूसरा है कि इसमें दोनों दे रखे हैं प्लस में ही, तो ये भी उदाहरण यूनिलैटरल टॉलरेंस का है, प्लस का 0.070 और प्लस का 0.030। सो ये उदाहरण किसके रहेंगे, यूनिलैटरल टॉलरेंस के। आपसे सवालों में पूछता है, एग्जाम्स में पूछता है कि इस तरीके के सवाल देंगे तो सदैव याद रखिएगा ये उदाहरण यूनिलैटरल टॉलरेंस के होंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा तरह का टॉलरेंस जो होता है उसको हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो, दो मतलब डबल। तो जब दोनों साइडों में जॉब के बेसिक साइज पर जब टॉलरेंस दोनों तरफ दिया जाए तो उसको बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ये जो सदैव जो है प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा। उदाहरण पे देख लीजिए, प्लस का 50 जो है बेसिक साइज दिया है, इसके प्लस में छूट जो दी है वो 0.020 और माइनस में जो दी है 0.040। तो कैसा ये उदाहरण हो गया, बाइलेटरल टॉलरेंस का, क्योंकि ये जो आपके दोनों साइडों में दिया है, प्लस में भी दे रखा है और माइनस में भी दे रखा है। सेम दूसरा एग्जांपल क्या है, इसमें भी प्लस में 0.020 दिया है और माइनस का 0.02 दिया है, तो ये हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस हो गया। तीसरे प्रकार का टॉलरेंस जो दिया जाता है उसको फंडामेंटल टॉलरेंस कहते हैं या मूलभूत टॉलरेंस भी कहा जाता है। ये फंडामेंटल टॉलरेंस हमारा जो है एक्यूरेसी या सटीकता के स्तर का संकेत होता है, एक्यूरेसी को दर्शाता है कि
अगर इतनी आप ये टॉलरेंस देंगे तो वो इतने एक्यूरेट साइज है, इतनी सटीकता से जॉब को आप निर्माण कर सकते हो। तो भारतीय हमारे भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS मानक के अनुसार हमको जो है 18 प्रकार के फंडामेंटल टॉलरेंस या जिन्हें ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी कहा जाता है वो दिया जाता है। इसमें उनको प्रदर्शित करने के लिए आप IT01, IT0, फिर IT1 से लेकर IT16 तक उनको दर्शाया जाता है। हमारा इंडस्ट्री में जो है, अगर आप IT01 से लेकर IT4 तक का ये टॉलरेंसेस प्रदान करते हैं तो ये दिए जाते हैं गेज के उत्पादन के लिए। गेज आपको पता होना चाहिए, मापक यंत्र होते हैं। तो चेकिंग आप उनका बेसिकली क्या है, चेक करते हैं कि वो हमारा एक एक्सेप्टेबल साइज में है या नहीं है। तो गेजेस का आप प्रोडक्शन करते हैं, प्लग गेजों का करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का करते हो, और कौन सा उसमें आते हैं ग्रेड ऑफ टॉलरेंस जो दिए जाएंगे IT01 से लेकर IT4 तक। दूसरा है IT5 से लेकर IT7। ये जो है बहुत ही प्रिसिशन यांत्रिकी एप्लीकेशंस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रिसिशन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। IT8 से लेकर IT11 ये सामान्य यांत्रिकी कार्यों के लिए हो गए, जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए होता है। IT12 से IT14 तक, IT12 से IT14 तक का जो है ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस प्रदान किए जाते हैं सीट मेटल कार्यों के लिए या फिर प्रेस वर्किंग कार्यों के लिए। IT15 से IT16 का जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है ये हमारा कास्टिंग क्रियाओं के लिए या सामान्य कटिंग वर्क के लिए, सामान्य कटिंग कार्यों के लिए दिया जाता है IT15 से IT16 तक। अब हम बात करना चाहेंगे विचलन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि विचलन क्या है। विचलन को समझने के लिए बस आपको ये समझना चाहिए कि यदि आप जॉब का कोई भी साइज ले लीजिए, जॉब का साइज से उसकी बेसिक साइज को घटा जाए। देखिए अभी हमने बात करी थी कि यदि उस पे अधिकतम छूट दी गई हो तो उसका हाई लिमिट साइज हो जाता है। तो जॉब का हाई लिमिट साइज से यदि आप बेसिक साइज को घटाएंगे तो वो आपको उच्चतर विचलन दे देगा। ये पहले प्रकार का विचलन है जो आपको दिया जाता है। इस प्रणाली में क्या होता है कि अगर ऊपरी विचलन निकालना है तो क्या करेंगे, जॉब का हाई लिमिट साइज लेंगे, उसमें से बेसिक साइज को घटा देंगे, आपको उच्चतर विचलन मिल जाएगा। इसमें जो होल होता है, होल को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें ES से दर्शाते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एकार्ड सुपीरियर। अब उसी जगह अगर शाफ्ट को दर्शाना होगा तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर या छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे, यहाँ शाफ्ट के लिए स्मॉल ES से दर्शाएंगे। दूसरा है निम्नतर विचलन या लोअर डिविएशन, इंग्लिश में कहते हैं लोअर डिविएशन और हिंदी में निम्नतर विचलन। इसको कैसे निकालेंगे, इसका जब निम्नतर की बात हो रही है तो जॉब का लो लिमिट साइज ले लीजिए या न्यूनतम लिमिट साइज, उसमें से बेसिक साइज को घटा देंगे, आपका निम्नतर विचलन आ जाएगा। इसको प्रदर्शित करने के लिए इसमें होल को प्रदर्शित किया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर EI से, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं एकार्ड इंटीरियर, और शाफ्ट को दर्शाओगे स्मॉल EI से। तीसरे प्रकार का जो विचलन आपको प्रदान किया गया है वो है वास्तविक विचलन। वास्तविक मतलब एक्चुअल डेविएशन। अब एक्चुअल डेविएशन को समझने के लिए क्या समझना होगा, एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज क्या होता है, आपने आपको एक जॉब दिया गया, आपने विभिन्न क्रियाएं करके उसको बना दिया है, हेक्साइन की, फाइलिंग की, ड्रिलिंग की, रीमिंग की और ग्राइंडिंग क्रियाएं की, फिनिशिंग क्रियाएं की। उसके बाद आपको जो जॉब का साइज मिला उसको नापा आपने, तो जो साइज वो आखिरी में सारी क्रियाएं करने के उपरांत मिलेगा तो उस साइज को हम वास्तविक साइज कहते हैं या एक्चुअल साइज कहते हैं। तो वास्तविक विचलन निकालने के लिए जॉब का वास्तविक साइज ले लीजिए, उसमें से बेसिक साइज या मूल साइज को घटा दीजिए, आपको वास्तविक विचलन मिल जाएगा। चौथे प्रकार का जो विचलन है वो हमारा कहलाता है मूलभूत विचलन या फंडामेंटल डिविएशन।
फंडामेंटल डेविएशन भी क्या है? देखिए, इसमें अगर आपको होल को दर्शाना है, इसमें आपको होल को दर्शाना है तो इंग्लिश के कैपिटल अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करोगे, और सांप को दर्शाना है तो इसमें इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान ये रखा जाता है कि आई एल ओ क्यू और डब्ल्यू इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इन अल्फाबेट्स को यूज नहीं करते हैं, इनकी जगह आप यूज करते हैं जे, जे एस, जेड ए, जेड बी और जेड सी का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। देखिए, मूलभूत विचलन भारतीय मानक के अनुसार जो है 25 दिए जाते हैं, ये दोनों होल और शाफ्टों के लिए है, और जिनकी मदद से क्या है आप अलग अलग प्रकार के फिटिंग बना सकते हैं। हमारा होल्स के लिए थोड़ा सा जानकारी ये रखना है। देखिए, होल दर्शाए जाएंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, तो इसमें अगर आप कैपिटल ए से लेकर जी तक रखते हैं तो ये दर्शाते हैं ओवर साइज होल्स को। ओवर साइज मतलब होल का साइज इसमें बड़ा रहेगा, अधिक रहेगा। तो याद रखिए, जब होल बड़ा रहता है या अधिक रहता है तो दूसरा जो शाफ्ट होता है वो होल के साइज से छोटा होता है। जब होल बड़ा होगा, शाफ्ट छोटा होगा, तो और आसानी से क्या होगा, फिटिंग बना लेंगे, उसमें किसी प्रकार का आपको बल या दाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से अगर ए इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए टू जी तक दर्शाएंगे तो वो ओवरसाइज होल, या उसको क्लियरेंस भी कह सकते हैं, क्लियरेंस फिट भी कह सकते हैं, वो उसको दर्शाता है। फिर दूसरा आता है एच। एच जो है बेसिक होल होल को दर्शाता है। उसके बाद जे एस से लेकर जे के एम एन जो दिख रहा है आपको, ये आपका ट्रांजिशन दिखाता है, ट्रांजिशन फिट्स को दर्शाता है। फिर पी से लेकर आपका जेड सी तक आपका इंटरफेरेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इंटरफेरेंस वही है, पी से लेकर जेड सी, ये अंडर साइज होल्स को दर्शाएगा। अंडर साइज मतलब होल छोटे हैं, तो जब होल छोटे होंगे तो मतलब शाफ्ट बड़ा रहेगा, तो जब शाफ्ट बड़ा होगा, होल छोटा होगा, तो फिटिंग आसानी से नहीं होगी, उनके बीच में गैप नहीं रहेगा, इसलिए ये अंडर साइज कहलाएंगे। इसी तरह हम शाफ्ट की जब बात करते हैं तो शाफ्ट में क्या है, एम से लेकर जेड सी तक ओवर साइज, ओवर साइज शाफ्ट की बात होती है, मतलब शाफ्ट बड़े रहते हैं, और ए टू जी तक अंडर साइज या साइज शाफ्ट का साइज कम रहेगा, ये दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कि अलाउंस क्या होता है, हमारा अलाउंस से क्या मतलब होता है। देखिए, जब भी किसी मेटिंग पार्ट्स या फिटिंग की बात करी जाती है तो वहां पर हम क्या देखते हैं, होल और शाफ्ट के बारे में बात हो रही है। तो होल और शाफ्ट के बीच में यदि कोई संबंध स्थापित हो रहा है तो उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होने के लिए होल और शाफ्ट में जो गैप रखा गया है, जानबूझकर दोनों की साइजों में जो अंतर रखा गया है, छूट जो गैपिंग जो दी गई है, उसको आप अलाउंस कह सकते हैं बहुत आसान भाषा में। यदि हम कहें कि अलाउंस जो है वो न्यूनतम क्लियरेंस या अधिकतम इंटरफेरेंस को दर्शाता है। कैसे समझेंगे इसको, इसको आप ऐसे समझिए कि आपने यदि उनके बीच में गैपिंग दी, तो गैपिंग देंगे तो मतलब होल बड़ा रहा, शाफ्ट छोटा रहा, तभी गैपिंग आई, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको क्या दिखाएगा, क्लियरेंस को दर्शाएगा। और उसी जगह मान लीजिए होल छोटा रहा और शाफ्ट बड़ा रहा, मतलब आपने उसमें कोई छूट नहीं दी दोनों के साइजेज में, इसलिए उनके बीच में कोई गैप नहीं रहा। तो याद रखिए, जो हम दो मेटिंग भागों में जानबूझकर रखी जाने वाली जो छूट है या अंतर है, उसको हम अलाउंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक, मीन्स पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अलाउंस की जब बात करी जाती है तो दो सूत्र पूछे जाते हैं अधिकतर,
अधिकतम अलावेंस कैसे निकलेगा और न्यूनतम अलावेंस कैसे निकलेगा। तो इसको आपको समझ लेना है, याद मत करिए, इसको इस तरीके से समझिए कि होल और शाफ्ट के बीच में क्या रहेगा, संबंध स्थापित करना होगा। तो जब भी अधिकतम अलावेंस के बारे में आपसे पूछे तो क्या करना है, होल को पहले रखना है, शाफ्ट को बाद में रखना है। अधिकतम पूछे तो होल का अधिकतम लिमिट साइज निकाल लीजिएगा, उसमें से शाफ्ट का न्यूनतम लिमिट साइज माइनस कर दीजिएगा, आपको अधिकतम क्लियरेंस निकल आएगा। फिर जब बात करें न्यूनतम क्लियरेंस की, तो न्यूनतम में करना क्या है, सेम वही चीज, होल को पहले रखना है और शाफ्ट को बाद में। जब न्यूनतम की बात करें तो आप पहले क्या निकालेंगे, होल की न्यूनतम लिमिट साइज निकाल लें, उसमें से शाफ्ट की अधिकतम साइज को घटा दीजिए, तो आपको न्यूनतम अलावेंस प्राप्त हो जाएगा। दोनों चीजों में याद क्या रखना है, पहले रखना है होल को, फिर रखना है शाफ्ट को। जिस तरीके से वो पूछे उस तरीके से हमें उसका अपर या लोअर लिमिट निकालना है। यदि अधिकतम अलावेंस पूछता है तो होल का अपर लिमिट साइज निकालेंगे, उसमें से शाफ्ट का लोअर लिमिट साइज माइनस कर देंगे। सेम दूसरा, अगर न्यूनतम की बात करेगा तो उसमें भी होल पहले रखा गया, होल पहले रखेंगे, होल का न्यूनतम लिमिट साइज निकाल लेंगे और शाफ्ट का अधिकतम लिमिट साइज उसमें से घटा दें, आपका न्यूनतम अलावेंस निकल आएगा। फिगर में आपको दिख रहा होगा, जब धनात्मक अलावेंस मतलब पॉजिटिव अलावेंस होता है तब क्या कंडीशन रहती है, और जब नेगेटिव अलावेंस होता है तब कंडीशन क्या है। आपको फिगर में दिख रहा है कि शाफ्ट का साइज पहले जब पॉजिटिव अलावेंस दिया गया है तो कम है और होल का ज्यादा है, इसलिए इनके बीच में गैप मौजूद है। तो जब गैप मौजूद होगा तो क्या शाफ्ट आसानी से उसमें फिटिंग बना लेगा और उसमें आसानी से रोटेट कर सकेगा। दूसरे में क्या है, जब हम नेगेटिव अलावेंस दिए हैं तो इसमें शाफ्ट का साइज होल के साइज से अधिक है, जब शाफ्ट बड़ा होगा तो होल छोटा है, और जब होल छोटा होगा तो आसानी से क्या है, फिटिंग आप नहीं बना सकते, उनके बीच में गैप नहीं होगा। इस तरीके जहाँ नेगेटिव अलावेंस दिया जाता है, इस जगह जो फिटिंग प्राप्त होती है वो हमेशा स्थायी टाइप की फिटिंग होती है, उसमें कोई अस्थायी रूप की फिटिंग नहीं प्राप्त होती। आज के प्रशिक्षण में हमने जो है पहले मास प्रोडक्शन के बारे में जानकारी करी कि मास प्रोडक्शन क्या है, कि एक ही उत्पाद को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करना मास प्रोडक्शन, या उसको बहुउत्पादन भी कहा जाता है। दो दो बातों का हमें मुख्यतः ध्यान रखना होता है मास प्रोडक्शन में, कि पार्ट्स के डिमांड की यथार्थता बनी रहे, और जो सरफेस फिनिश, जो हमने जिस श्रेणी की सरफेस फिनिश हमने मूल एक जॉब में दी, वही सभी जॉबों में प्रदान करना होता है मास प्रोडक्शन में। उसमें सबसे बड़ा गुण क्या रहना चाहिए मास प्रोडक्शन में, विनियमशीलता, कि पार्ट्स को निर्धारित सीमाओं में तैयार किया जाए, ताकि क्या हो, आवश्यकता पड़ने पर जो पार्ट खराब हो गए हैं उनको आसानी से बदला जा सके। ये गुण हमारा विनियमशीलता था, और मास प्रोडक्शन में सबसे जरूरी बात यही रहती है। तीसरा पढ़ा हमने लिमिट, कि जॉब जो भी हमें बेसिक साइज दिया है उसको जो हम स्वीकृत छूट देते हैं वो अधिकतम या न्यूनतम दोनों हो सकती है, वो लिमिट कहलाती है। यदि जॉब का हाई लिमिट साइज में से लो लिमिट साइज जॉब का माइनस कर दें तो वो हमें टॉलरेंस दे देता है। टॉलरेंस तीन प्रकार का मुख्यता था, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और फंडामेंटल टॉलरेंस। यूनि मतलब एक ही तरफ दिया गया टॉलरेंस, बाई मतलब दोनों तरफ दिया गया टॉलरेंस, और फंडामेंटल टॉलरेंस क्या है, भारतीय मानक के अनुसार 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंसेस से प्रदर्शित किया जाता है, IT01, IT0, IT1 से लेकर IT16 तक। फिर हमने पढ़ा विचलन। विचलन क्या है, कि जॉब का कोई भी साइज ले लीजिए, उससे बेसिक साइज से घटा दीजिए तो आपको विचलन दर्शा देगा। यदि ऊपरी विचलन की बात करते हैं तो जॉब का हाई लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज, लो लिमिट लोअर डिविएशन निकालना है तो जॉब का लो लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज, वास्तविक विचलन निकालना है तो वास्तविक साइज में से बेसिक साइज घटा दीजिए। चौथे प्रकार का विचलन था मूलभूत विचलन। ये हमारा जो है जीरो लाइन के साथ, चाहे ऊपरी विचलन हो चाहे निचला विचलन हो, जो संबंध आसानी से स्थापित कर सके वो मूलभूत विचलन है। भारतीय मानक के अनुसार ये 25 दिए जाते हैं, ताकि क्या है, विभिन्न प्रकारों के फिटों का
निर्माण कर सके आप। और आखिरी टॉपिक जो हमारा इसमें था वो अलाउंस के बारे में बात करी कि यदि कोई मेकिंग पार्ट्स है तो उनके बीच में जो हम जानबूझ कर अंतर देते हैं, गैपिंग देते हैं, डिफरेंस देते हैं। मैंने आज जो आपको प्रशिक्षण दिया है, यदि आप इस प्रशिक्षण के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो bharatskill.gov.in ये भारत गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर या फिर पीटर थ्योरी लेखक आरंगर की पुस्तक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको लिमिट तथा टॉलरेंस का प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि ये प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार रहेगा। धन्यवाद।